आश्रम एंड वेलकम टू माई चैनल। अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका पेपर 5 का है, दैट इज लेक्चर नंबर 8। आज आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन है दैट इज सो दैट द आर्गूमेंट ऑफ द कोशेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द आर्गूमेंट्स, मीन्स आर्गूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का गिवन है उनके आर्गूमेंट का जो कोशेंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, दैट मीन्स डिफरेंसेस ऑफ देयर आर्गूमेंट्स, ओके। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लोगे तो क्या लिखोगे, लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। उसके बाद एक और बात, ऑल्सो लेट r1 एंड r2 बी द मॉडुली एंड θ1 एंड θ2 बी द आर्गुमेंट्स ऑफ z1 एंड z2 रिस्पेक्टिवली, क्लियर, ठीक है। तो आप सबसे पहले मानो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद r1 r2 दोनों का मॉडुलस एंड θ1 θ2 दोनों का मान लेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, सो वी हैव देन वी हैव, अब क्या हो जाएगा बताइए, z1 की जो वैल्यू है r1 cos θ1 प्लस i sin θ1, तो इम्प्लाई यहाँ से z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका r1 e की पावर i θ1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद सिमिलरली दो z2 के लिए भी, तो सिमिलरली z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r2 cos θ2 प्लस i sin θ2, ठीक है। अब इम्प्लाइज z2 को हो जाएगा r2 इंटू e की पावर i θ2। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को कोसेंट लेना है, यहीं से पकड़ोगे कोसेंट में दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ से डिवाइड, दोनों क्या करेंगे डिवाइड। अब क्या लिखेंगे, नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। डिवाइड करने पर देखो आपका क्या मिलेगा, z1 बाई z2 ब्रैकेट की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, z1 बाई z2 इज इक्वल्स टू r1 e to the power i θ1 अपॉन r2 e to the power i θ2, क्लियर। तो ये आपका हो गया क्या, z1 बाई z2 इक्वल्स टू r1 बाई r2 इंटू e to the power i कॉमन हो गया, ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2, ठीक है। अब यहाँ से बताइए इस वाले पार्ट से आप क्या आ गया अपने पास, हैंस मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल्स टू r1 बाई r2। इम्प्लाई यहाँ से आप लिख सकते हो अलग अलग z1 बाई z2 का मॉडुलस, जो कि क्या होगा r1 बाई r2, एंड ऑल्सो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, ये आपका क्या आ जाएगा, θ1 माइनस θ2, फिर यहाँ तक। और जैसे ये आया तो यहाँ से आप फाइनल लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ
Z2। ओके, तो यही आपको प्रूफ करना था, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हैंस प्रूफ। ओके, इसको नोट कर लो। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई कलेक्शन में लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।